आवाज इसकी कम करो। अरे उधर से यार आवाज बोल रहे, इसकी आवाज कम करो। हेलो हेलो जिखाला, आइए हम लोग थोड़ी सी कथा पे शुरू कर ले। दोपहर में कथा हो रही थी कि भगवान कन्हैया ने जैसे ही अपनी बुआ पूतना का वध किया, और पूतना का वध होने के बाद में राजा कंस को पता चला है कि उसकी बहन पूतना का वध हो गया है। तो आज राजा कंस ने नाना प्रकार के राक्षसों को भेजा, त्रिलावर्त को भेजा, अगासुर को भेजा, बकासुर को भेजा, सट्टासुर को भेजा, जितने भी राक्षसों को भेजा है राजा कंस, आज भगवान कन्हैया सारे राक्षसों का वध करते हुए चले आ रहे हैं। और भगवान कन्हैया इस प्रकार से थोड़े से सयाने होते गए। दोपहर में कथा हो रही थी, और जैसे ही भगवान कन्हैया थोड़े से जब सयाने हुए, तो भगवान कन्हैया ने सबसे पहले अपने जीवन की जो पहली लीला की है, उस लीला का नाम है माखन चोरी लीला। बोले माखन चोर भगवान की जय। तो भगवान कन्हैया आज थोड़े से सयाने हुए हैं। एक दिन की बात है, मैया यशोदा आज अपने लाला श्याम को सुंदर से नहला धुला करके बढ़िया से झंगुलिया पहनाई, और झंगुलिया को पहना करके भगवान कन्हैया को आंगन में खेलने के लिए छोड़ दिया। भगवान कन्हैया धीरे धीरे घुटनों के बल चलना सीखा, और घुटनों के बल चलना सीखने के बाद में धीरे धीरे और सियाने हुए, पैरों के बल चलने लगे। और जब भगवान कन्हैया चलने लगे, तो मेरे भगवत प्रेमियों, भगवान सुखदेव जी ने इशारा किया कि भगवान कन्हैया ने जो सबसे पहले लीला की है वो की है माखन चोरी की। अच्छा, आप लोग ये भी बता दें कि भगवान कन्हैया ने सबसे पहले लीला की वो भी की माखन चोरी की। अरे और कोई लीला कर लेते, रास को रचा लेते, माखन को चुरा लेते, कंस को मार देते, लेकिन सबसे पहली लीला और वो भी चोरी की, वो भी पैसा कौड़ी नहीं, माखन चोरी की। इसका बड़ा कारण ये है मेरे प्यारे, कि जिस समय ब्रज की सारी गोपिकाएं अपने घर में बढ़िया सा माखन बना करके मथुरा बेचने के लिए जाती हैं, भगवान कन्हैया ने देखा और मन में विचार किया, अरे गैयों को चारा हम कराएं, गैयां चराने हम जाएं, और ये माखन खाए मथुरावासी, ऐसा कैसे हो सकता है, हमें कुछ करना पड़ेगा। और भगवान कन्हैया ने इसीलिए माखन चोरी की। मेरे प्यारे सारी गोपिकाओं ने आज भगवान कन्हैया को अपने अपने घर में बुलाती हैं, और भगवान कन्हैया से कहती हैं, श्याम सुंदर हमारे घर कब आओगे। सारी सखियां कह रही हैं, आइए कथा में हम लोग प्रवेश करते हैं। अरे कब आई हो घनश्याम हमारे घरे, कब आई हो घनश्याम, अरे हमारे घरे कब आई हो घनश्याम, हमारे घर हमारे घर हमारे घर हमारे घर
बोले माखन चोर भगवान की जय, बोले सदगुरुदेव भगवान की। आज सारी ब्रजवालाओं ने भगवान कन्हैया को अपने अपने घर में माखन चोरी करने के लिए बुलाती हैं, और भगवान कन्हैया इस प्रकार से पूरे ब्रज में मेरे भगवत प्रेमियों माखन चोर करके बुलाए जाने लगे। एक दिन की बात है, भगवान कन्हैया ने अपने बाल गोपालक को बुलाया, ओरे दामा, ए मनसुखा, ए बलभद्र, ए संकीर्ण छदामी, इधर आ जाओ। एक बात बताओ, जे बताओ पूरे ब्रज में सबसे ज्यादा माखन किसके घर में होता है, बताओगे तुम? तो एक ब्रजवाला ने आपस में बतला करके एक दिन चर्चा कर रही थी कि और जीजी, हमें लगता है सबके घर में, ललता के घर में माखन होता है। तो भगवान कन्हैया जैसे ही बाल गोपालों से पूछा कि एक बात बताओ सबसे ज्यादा किसके घर में माखन होता है, तो एक बाले ने जवाब दिया, श्याम सुंदर, ए हम तुमको बताएं किसके घर में ज्यादा माखन होता है। ब्रज में जिस ग्वालनी का नाम है ललिता भाभी, और उस ललिता के घर में बहुत मीठा मीठा माखन मिलेगा। लेकिन एक बात बताओ, उसके घर चोरी कैसे की जाएगी? क्योंकि वो बहुत सतर्क रहती है, और कहीं अगर जो फंस गए तो मारेगी बहुत। ए कैसे चोरी की जाए? तो भगवान ने कहा, सुन लो, ए माखन चोरी करना जरूर है, माखन खाना जरूर है, अब कैसे चोरी करना है वो सब लोग उपाय बताओ। तो एकदम से भगवान कन्हैया ने सारे बाल गोपालों से कहा कि बाल गोपालों, आज हम लोग ललिता के घर में माखन चोरी करेंगे। और मेरे भगवत प्रेमी, उसी समय भगवान कन्हैया सारे बाल गोपालों को बुला लिया, और बाल गोपालों को बुला करके जैसे ही सलाह की है, तो इधर एक ब्रजवाला सुन रही थी भगवान कन्हैया की बातें। अब मेरे भगवत प्रेमी, वो ब्रजवाला ने जा करके ललिता को बताया, और ललिता जो होशियार हो जा, आज तेरे घर में डकैती पड़ने वाली डकैती। ललिता ने कहा, मेरे घर में डकैती? बोली, हाँ, वो माखन चोर कन्हैया, वो ये सदा का छैया तेरे घर की पारी लगा दी, और तू होशियार हो जा बहना। ललिता ने कहा, एक बात बताए जीजी, जो तुम बड़ा अच्छा कियो हमको बता के, आज आने दो उस कन्हैया को, आने दो उस माखन चोर को, आज मैं उसके रंगो हाथों नहीं पकड़ी तो मेरा भी नाम ललिता नहीं है। और जैसे मेरे भगवत प्रेमी दल ललिता ने सुना, तो ललिता ने बड़ा मीठा मीठा माखन बनाया, और मीठा मीठा माखन बना करके छीके के ऊपर रख दिया, और आधा माखन लेकर के मथुरा के लिए चली मेरे भगवत प्रेमी। जैसे ही मथुरा की तरफ चली है ललिता, ए घर से निकली तो मथुरा के लिए, लेकिन मथुरा गई नहीं, आधे रास्ते पे जाकर ठहर गई। इधर जो ही ललिता का घर सुना मिला है, तो एक ग्वाल बाले ने जवाब दिया है, और श्याम सुंदर, एक कन्हैया आ जाओ, घर सुना है। और ललिता का बेटा था जिसका नाम था छदामी, मेरे भगवत प्रेमी याद रखना, जैसे छदामी ने आवाज लगाई भगवान कन्हैया को बुलाया, तो भगवान कन्हैया सारे बाल गोपालों की मंडली को लेकर के किया क्या? भगवान कन्हैया सारे बाल गोपालों को साथ में ले लिया, और साथ में लेकर के मेरे भगवत प्रेमी ललिता के घर में धावा मार दिया। क्या किया भगवान? ललिता के जाते मोहन ने घर में अब सेंध लगाते हैं, और ग्वालों को संग में लेकर के ललिता के घर में। दुहनी मटकी देखने लगे, माखन मिसरी देखने लगे, सब ग्वाल बाल अब मिल करके माखन मिसरी देखने लगे। एकदम से भगवान कन्हैया सारे बाल गोपालों को लेकर के
उस ललिता के घर में घुसे। और जैसे ललिता के घर में भगवान करैया लेके मंडली पहुंचे तो एकदम से भगवान ने कहा छदा में जो तेरा घर है ना तो सुन तेरी ड्यूटी लगेगी गेट पे और तेरी गेट की ड्यूटी लगेगी और गेट पे ड्यूटी लगेगी तो सतर्क रहना और हम सारे लोग माखन चुराएंगे घर के अंदर और बाहर से कुछ भी गड़बड़ लगे तो एक काम करना सीटी मार देना और जैसे ही सीटी मारेगा तो हम लोग होशियार हो जाएंगे। छदामी कहने लगा ठीक है और उसी समय भगवान करें यानी छदामी की ड्यूटी लगा दी गेट पे और सारे बाल गोपालों को लेकर के घर में घुसे। और जैसे घर में घुसे भगवान कन्हैया तो पूरे घर को छान मारा लेकिन कहीं माखन नजर नहीं आया और तब तक दामा ने देखा ओ श्याम सुंदर वो देखो माखन। भगवान ने कहा कहां भाई तो दामा कहने लगा तुमको ऐसे नहीं दिखाई देगा ए वो छीके पे रखा माखन नहीं दिखाई दे रहा जे काम कर ले भैया जे चश्मा लगा ले चश्मा और जैसे ही भगवान ने देखा है माखन को जो छीके के ऊपर रखा है एकदम से कहा दाम ए माखन तो दिख रहा है लेकिन इसको खाएंगे कैसे कैसे खाएंगे क्योंकि हम लोग तो बित्ता बित्ता भरे के छोटे छोटे और जब माखन इतने ऊंचाई पर रखा खाओगे कैसे। दामा का लगो बात तो सही कह रहे हो लाला कैसे खाओगे तो भगवान ने कहा एक उपाय हमारे पास में। दामा के लगा कौन सा तो भगवान ने कहा सुन ले एक उपाय है। उपाय ये है कि माखन को कैसे नीचे लाया जाए। ए दामा तू कोई उपाय जानता है। दामा का लगो उपाय तो जानते लेकिन एक काम करो जे ऊंचाई पे माखन है तो जरा सीढ़ी लिया। सीढ़ी भगवान के लगे चुप अरे सीढ़ी लेने जाएगा तब तक भाभी आ जाएगी ललिता और हम लोग माखन भी नहीं खा पाएंगे। तो भगवान ने कहा सुन मेरे पास एक उपाय है वो करोगे। दामा के लगा बताओ तो भगवान के लगे सुन ले जे सीढ़ी वीढ़ी ले ना जाओ सीढ़ी स्वयं बन जाओ। दामा का लगो कैसे तो भगवान कह लगे सुन ले जो सबसे मोटा ताजा हो वो लगे नीचे और जो वही ते दुबला पतला हो तो वही के लगे ऊपर। सुन ले एक दूसरे के ऊपर चढ़ करके सीढ़ी बना लो और दामा सुनो जो सबसे नीचे रहेगा सबसे ज्यादा माखन उसी को मिलेगा। भगवान ने लालच दे दिया दामा को क्यों क्योंकि दामा का पेट मोटा था और जैसे भगवान ने लालच दिया कि जो नीचे लगेगा सबसे ज्यादा माखन पाएगा तो दामा का लगो श्याम सुंदर जो सबसे नीचे हमका लगाओ। हाँ चाचा कह रहे हमका लगाओ। दामा का लगो सबसे नीचे हमका लगाओ और जैसे दामा नीचे लगा तो भगवान करें ये सारे बाल गोपालों को एक दूसरे के ऊपर चढ़ाने लगे और जैसे ही भगवान करें ये सीढ़ी तैयार हुई तो भगवान करें ये एकदम से सीढ़ी पे चढ़ने लगे। कैसे चढ़े कि सीढ़ी बन गए हैं झटपट और काना चढ़ गए हैं सटपट और जैसे ही भगवान कन्हैया झट झट चढ़े और जा करके मटकिया को पकड़ा और जैसे ही मटकिया को पकड़ा तो भगवान कन्हैया ने अपना हाथ डाला मटकिया में और जैसे ही मटकिया में हाथ डाला तो माखन को निकाला और जैसे माखन निकाला तो माखन का थोड़ा सा हिस्सा नीचे टपका और जैसे नीचे टपका माखन तो दामक जबान अति भारी निकली और कहा लगे श्याम सुंदर जे माल माल उड़ाए थे ऊपर और सीढ़ी बन गए हैं झटपट और काना चढ़ गए हैं झटपट और धीरे धीरे मटकिया में हाथ डाला सीढ़ी बन गए हैं झटपट काना चढ़ गए हैं झटपट और धीरे धीरे और धीरे धीरे भगवान कन्हैया जैसे ही मटकिया में हाथ डाला और एक बूंद नीचे टपका तो दामा का लगो कन्हैया जे गड़बड़ हो जाए जे गड़बड़ हो जाए ऊपर माखन उड़ा दे रहे माल माल तो भगवान का लगो नाई
माखन खा नहीं रहन, माखन कहिया सूंगरन की ताजा की बासी। दामा का लगा जय कुछ नहीं, अगर जो हमारे साथ मकारी करोगे कन्हैया तो हमसे बुरा फिर कोई होगा नहीं। और तब तक भगवान करिए ने दोबारा हाथ डाला और जैसे ही माखन निकाला तो थोड़ा सा और नीचे टपका, और जैसे टपका तो दामा का लगो हाय रे दादा ए कन्हैया जे काहे हमारे मन ललचाए दे रोज जवान लंबी हुल्ल पल्ल पर कर रही काहे भैया मीठा देख के काव पानी काव लार कुछ लोगों की चुजात हुए। हम माखन का नाम ले रहे कुछ लोग काव लार बहावे लागू हैं। एक बार जरा जोरदार जयकारा लगाए बोले माखन चोर भगवान की। और जैसे ही भगवान कन्हैया ने दोबारा हाथ डाला और तब तक भैया ललता आ गई, और जैसे ललता भाई आई तो एकदम से छदामी ने बाहर से मारी सी, और जैसे ही सीटी मारी छदामी ने मेरे भगवत प्रेमियों तो सबसे पहले सीटी की आवाज सुनाई दी दामा को, कहे दामा सबसे खतरे में है। और जैसे दामा ने सुना कि हाय रे विधाता सीटी की आवाज आ गई यानी कोई आ गया, और जैसे ही सीटी सुनाई पड़ी दामा को तो दामा एकदम से नीचे से निकल के भागा, और जैसे ही नीचे से निकल के भागा दामा तो जितने ऊपर ग्वाल बाल थे सब बता बद सारे बाल गोपाल तो एक दूसरे के ऊपर बदा बद करके नीचे आ गए, लेकिन भगवान कह रहे हैं बित्ता भरे कर वह मटके में लटके रहेंगे। जैसे भगवान कह रहे मटकिया में लटके रह गए सारे बाल गोपाल जाकर के छिप गए, तब तक ललता आ गई अरे कौन है भाई कौन है जो मेरे घर में डकैती डाल रहा है कहां गए तुम सब। जैसे पूरे घर में खोजा तो कोई मिला नहीं, और तब तक ललता ने देखा क्या जे टांगे हतन एक मटका और मटका के बगर में है लटका को है। अच्छा श्रीवान जी आप हो जय हो, नीचे उतरो नीचे उतर नीचे उतरो। और जैसे ही मेरे भगवत प्रेम ललता ने कहा नीचे उतरो तो भगवान कन्हैया बेचारे बाढ़े जा रहे हाथ बढ़े जा रहे, जैसे ही भगवान कन्हैया को सुनाई दिया कि नीचे उतरो तो भगवान कन्हैया रोने लगे। ललता ने कहा नीचे उतरो ए इधर सुनो, जब रोज उलहना लेकर के जाती थी हम लोग तो तुम कहते थे मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, आज मैं तुमको मजा चखाऊंगी नीचे उतरो। और जैसे ही ललता ने कहा नीचे उतरो तो भगवान कन्हैया ने रो करके जवाब दिया एक बात बताओ ए ब्रजवाला जब छोटे से तो हम हैं और अगर जब नीचे उतरिए हाथ छूट जाइए तो नीचे हमारे सुरमा बन जाए शरीर के, जे एक काम करो नीचे उतर नहीं पाइए नीचे उतारो। और जैसे ही ललता ने नीचे उतारा भगवान कन्हैया को तो एकदम से मेरे भगवत प्रेम याद रखना ललता ने कान पकड़ा भगवान कन्हैया का, और जैसे ही कान पकड़ा तो एकदम से कान को थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ाया और कहा एक बात बताओ जो तुम अकेले तो आए नहीं हुई हो, तुम्हारे संग मुड़िया पलटन जरूर हुई कहां है। भगवान का लगो सही कह रही हो हम अकेले कहां आए सब लोग हमारे साथ में चलो हम बताएं कौन कहां लुका है। और भगवान कन्हैया ने सबको बताया जे देखो एक डहरी के अंदर है एक तखत के नीचे है। और मेरे भगवत प्रेम उसी समय ललिता ने सबको छोड़ दिया लेकिन भगवान कन्हैया के आज हाथ को जबरदस्त पकड़ लिया। आरे पर जबरदस्त के हाथों में लाला जी छूट न पाए हैं तब लीला ने अब हाथों को अपने हाथ से भगवान कन्हैया का जैसे ही हाथ पकड़ा है ललता ने तो एकदम से कहा चल आज मैं चल करके तेरी मैया को बताऊंगी कि
कैसा तेरा कुंवर कन्हैया है। बोले बाल कृष्ण भगवान की, बोले सतगुरुदेव भगवान की। चलो लगा लो। सुदेव जी ने इशारा किया कि राजन परीक्षित, आज भगवान कन्हैया को जब ललिता भागवी ने पकड़ लिया तो हाथ को पकड़ करके आज ले करके जैसे ही चली है यशोदा मैया के पास में, तो मेरे भगवत प्रेमी याद रखना। हेलो, सूखा सूखा लगा दियो यार। जैसे ही भगवान कन्हैया का हाथ ले करके ललिता अपने रास्ते पे पहुंचा है तो एकदम से भगवान कन्हैया ने विचार किया कि अगर जो आज मैं रंगे हाथों पकड़ लिया हूं और अगर जो ये ललिता हमें लेकर के मैया के पास में जाएगी तो मैया अगर जो जान जाएगी तो हमें बहुत मारेगी। तो भगवान कन्हैया ने रास्ते में लीला रची है और जैसे ही लीला रची तो भगवान कन्हैया ललिता से कहा, ओ ललिता जे एक काम कर ले, ए ये मेरी नाजुक कलाई है, मेरी नाजुक कलाई है कहीं उतर ना जाए, एक काम कर दे जरा मेरे इस हाथ को छोड़ करके इस हाथ को पकड़ ले। मेरे भगवत प्रेमी ललिता समझ नहीं पाई भगवान की चालाकी को, वो तो सोच रही थी कि वास्तव में सही कह रहा है ये कन्हैया, और भगवान की माया को समझ नहीं पाई वो ललिता। और जैसे ही ललिता ने लंबा घूंघट करके भगवान कन्हैया के हाथ को छोड़ करके दूसरा हाथ पकड़ने का प्रयास किया तो भगवान कन्हैया ने क्या किया, अपना हाथ छुड़ा करके उसी के बेटे छिदामी का हाथ पकड़ा दिया। समझिए चाचा। और जैसे ही छिदामी का हाथ पकड़ाया भगवान कन्हैया ने तो लंबा घूंघट था माताएं, मैंने लंबा घूंघट के वजह से ललिता समझ नहीं पाई मामला क्या हुआ और एकदम से भगवान कन्हैया पीछे के रास्ते से जा करके घर में घुस गए। और उसी समय ललिता ने भगवान कन्हैया समझ करके अपने पुत्र को लेकर के सामने खड़ा कर दिया मैया के दरवाजे के पास में और आवाज लगा करके बोली है, मैया मैया दरवाजा खोलो, ओ मैया यशोदा अरे दरवाजा खोलो, अरे तुम्हारा लाल मेरे घर में माखन चोरी कर रहा था, अरे मैया दरवाजा खोलो दरवाजा खोलो दरवाजा खोलो। और एकदम से ललिता ने आवाज लगाई और जैसे ही आवाज लगाई तो यशोदा मैया घर में काम कर रही थी, विचार किया अरे अरे ये सुबह सुबह कौन आ गई उलहना लेकर के। और जैसे ही यशोदा मैया दरवाजे को खोल करके बाहर आई तो देखा क्या, एक ग्वालनी खड़ी है जोर जोर से शोर मचा रही है। क्या कह रही वो, कि बेहद चंचल चालाक चतुरे माई रे कुंवर कन्हाई है, ओ देखे तो तनिक बालापन में इस ब्रज में धूम मचाई है, पुत्र देखो मेरे घर में माखन चोरी कर रहा था और मैंने उसको रंगे हाथों से पकड़ा है। क्या बोली लगता, देखे तो तनिक बालापन में इस ब्रज में धूम मचाई, चंचल चालाक चतुर माई ये कुंवर कन्हाई है। एकदम से आवाज लगा करके बोली है ललिता की, मैया ये तेरा कन्हैया मेरे घर में चोरी कर रहा था, देख मैंने इसको रंगे हाथों से पकड़ा है। और जैसे ये यशोदा मैया ने कहा कि तेरे कन्हैया को मैंने पकड़ा है तो एकदम से यशोदा मैया ने ऐसे करके देखा और जैसे यशोदा मैया ने देखा अरे ये आली कह रही तेरा कन्हैया है और ये तो मेरा कन्हैया नहीं बल्कि इसी का पुत्र है, तो एकदम से यशोदा मैया ने समझा करके जवाब दिया, और आली कि यशोदा ने हंस कर कहा, ए आली घूंघट ताल देख जरा पीछे पलटे तेरा लाल कि मेरा लाल। जैसे यशोदा ने कहा कि ओरियाली जे अपने घूंघट को उठा और देख तेरा लाल कि मेरा लाल,
और जैसे ललता ने इतना सुना तो एकदम से घूंघट को ऊपर टाला और टाल के जैसे पलट के देखा तो कन्हैया नहीं है उसी का पुत्र खड़ा। तो एकदम से ललता ने खींच के तमाचा मारा और कहा नालायक तू कहां मर गया। अरे बहुत दिनों के बाद मैं तो पकड़ा था श्याम को। तो एकदम से चौदामे का लगा मम्मी हमका गाय मार रही हूं। और तब तक भैया जैसे ही भगवान कन्हैया ने मौका देखा तो भगवान कन्हैया एकदम से आंखें मीचते हुए उंगाते हुए बाहर निकले और बोले मैया ओ मैया बड़ी जोर से भूख लगी से माखन मिश्री दे दे। जैसे ललता ने कन्हैया को देखा तो एकदम से दाती को पीस करके जवाब दिया मेरे भगवत प्रेमियों मैया ए अरे मैया ये जो तेरा कन्हैया है ये बहुत चलाक हो गया है और मैंने इसको अपने घर में रंगे हाथों पकड़ा था। और एकदम से ललता ने कसम उठा करके जवाब दिया मैया मैया सुन ले मेरी बात कि मैया साक्षी गोधन की है और कसम मुझे यमुना की है और जो कुछ तू ये देख रही सिमोहन की चाल मैया मैं कसम खा सकती हूँ यमुना मैया की मैं कसम खा सकती हूँ अपने पुत्र की और जब तू ये देख रही इस कन्हैया के चालाकी है मैया कुछ पता नहीं इस चंचल ने अपने हाथ को किस जगह है और किस तरह मैया मेरे पुत्र कहाँ पे गई है एकदम से मेरे भगवत प्रेमियों आवाज लगा करके ललता ने जवाब दिया मैया मैं यमुना मैया की कसम खा सकती हूँ अपने पुत्र के ऊपर सर रखती हूँ ये जो तेरे कन्हैया खड़ा है ना ये बहुत चंचल है बहुत चतुर है मैया इस कन्हैया को मैंने अपने हाथों से पकड़ा था अपने घर में लेकिन अब मुझे समझ में आ रहा है अरे इस रास्ते में न जाने इस कन्हैया ने मुझसे कहा कि ये हाथ छोड़ करके ये हाथ पकड़ लो मुझे दया आई मैंने इसका हाथ छोड़ दिया मैया उसी जगह इसने चालाकी के मेरे पुत्र का हाथ पकड़ा दिया। लेकिन मैया मैं अपने पुत्र की कसम खा के कह रही हूं तेरे कन्हैया ने मेरे घर में माखन चोरी की है। और ये जैसे ललता ने कहा तो मैया सदा ने जवाब दिया ओरियाली देख ऐसे झूठे उले ने लेकर के मेरे दरवाजे पर मत आया कर और मेरा कन्हैया बड़ा सलोना है बड़ा ईमानदार है ये माखन चोरी क्यों करेगा। और एकदम से मेरे भगवत प्रेमी उतना कह करके ललता चली गई। उसी समय अजय यशोदा मैया भगवान कन्हैया को लेकर के और हमारे आदर भैया सुमित चौरसिया जी उनकी तरफ से ये ज्ञान मुद्राओं का दान हो रहा है भगवान के छोड़े में परमात्मा कला करता रहे भंडार भरता रहे। उसी समय मेरे भगवत प्रेमी एकदम से यशोदा मैया ले जाकर के भगवान कन्हैया को माखन मिश्री खिलाने लगी। इस तरीके से भगवान कन्हैया आज पूरे ब्रज में माखन चोर कह करके बुलाए जाने लगे। एक बार जोदा जाकर लगाइए बोले माखन चोर भगवान की बोले श्री भागवत महापुराण की चप्पल चुरा गए। हाय भगवान जे गांव तो बहुत देखे।